बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक एरिया अंडर द कर्व एक्सरसाइज 6.10। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो फंक्शन भी जाना पहचाना है तो डायग्राम बनेगी। दूसरा मसला यहाँ पर ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है। सो सबसे पहले तो वाई को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स वाली टर्म जो यहाँ प्लस हो रही है वो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगी। फिर एलसीएम ले लिया, 4 - x² / 4, एलसीएम 4 आया। 9 जो यहाँ डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4, और क्योंकि हमें वाई स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ वाई चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लिया। फिर प्लस माइनस, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व की बात हो रही है तो नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया, ओमिटिंग नेगेटिव साइन। सो वाई की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स 3/2 √4 - x². अब एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन साथ साथ ज़रा क्लियर कर दीजिए कि आप मालूम क्या करने जा रहे हैं, यानी इसकी डायग्राम बना दीजिए। तो आए एलिप्स बना देते हैं। हम जानते हैं एलिप्स है, ऐसा ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है और दोनों का कोफिशेंट सेम नहीं है। सेम होता तो सर्कल होता, और जाहिर है कि इसके माइनर एक्सिस के भी और माइनर एक्सिस के भी और मेजर एक्सिस के भी एंड पॉइंट्स हमें पता हैं। तो आएँ जल्दी जल्दी, यानी ए भी पता है बी भी पता है, जो एलिप्स का होता था। तो चले आएँ जल्दी से काम कर लेते हैं, इसके डायग्राम बना लेते हैं। सो डायग्राम मैंने इस गिवन फंक्शन की बनाई जो कि एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। वाई का डिनोमिनेटर बड़ा था तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था, और क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म थी, सेंटर ओरिजिन था। आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो माइनर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स +2 और -2, और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स +3 और -3। सो ये काम कर लिया हम लोगों ने। अब ओर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। ओर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स इज़ इक्वल टू 1, एक्स इज़ इक्वल टू -1 से। तो ये रहा एक्स इज़ इक्वल टू 1 और ये रहा एक्स इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना के हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस एलिप्स का वो एरिया जो इस एलिप्स और एक्स एक्सिस के दरमियान हो ऊपर की जानब, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इन दोनों ऑर्डिनेट्स के दरमियान हो। तो ऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर देते हैं, आए ऑर्डिनेट्स बना देते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दीज ऑर्डिनेट्स। सो पहली लाइन यहाँ पर आएगी आपके पास, दूसरी लाइन यहाँ पर आएगी आपके पास, और फिर ये है वो एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैं इसको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डिनेट्स बनाने के बाद अब हम ज़रा स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम किस एरिया की, किस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो वो एरिया, ये वाला एरिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बनाते जाते हैं या शेड करते जाते हैं इस एरिया को। आप लोग भी करेंगे बेटा ये डायग्राम में, ताकि पता चल जाए चेक करने वाले को कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो ये वो एरिया है जो हम लोग मालूम कर रहे हैं। ये जो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं, ये वो एरिया है जो एक्स इज़ इक्वल टू -1 और एक्स इज़ इक्वल टू 1 वाले ऑर्डिनेट्स के दरमियान है, इस एलिप्स के नीचे मगर एक्स एक्सिस से ऊपर। सो आप इसको इंटीग्रेट फार्मूला यूज़ करके, इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। आए फार्मूले का इंट्रोडक्शन देते हैं। सो एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला, ए डिनोट करता है एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ए एंड बी। तो फिर ये फार्मूला होता है एफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/2, इनफैक्ट 9/4, स्क्वायर रूट लेने के बाद दैट इट हैड बिकम 3/2। तो इसको सही कर लेते हैं। सो गिवन फार्मूले में 3/2 अंडर रूट वैल्यू पुट की, कोफिशेंट आ गया पहले और अंडर रूट आ गया इंटीग्रल के बाद। ए और बी की वैल्यू -1 और 1 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन से हो सकता है इंटीग्रेट। वैसे ये इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, तो आप इसको डायरेक्ट, मतलब अगर फुल वर्किंग इंटीग्रेशन की आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब कहने का ये कि आपको तो ये फार्मूला पता है, डायरेक्ट कर दीजिएगा इसको इंटीग्रेट। और याद रखिए कि कमोबेश यही फार्मूला यहाँ पर तकरीबन हर क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व के हर क्वेश्चन पे अप्लाई होने जाना है। तो ये फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। जो फार्मूला था हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल, जो कि बनता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास अगली टर्म में +1/2 टाइम्स ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता है प्लस ही, जो कि यहाँ तो नहीं आना लेकिन फिर भी फॉर्मूले का रेफरेंस है दे दीजिए। 2 स्क्वायर लिखने का मकसद ये था कि आपको ए स्क्वायर और ए पता हो दोनों। तो आए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, देयरफॉर ए की वैल्यू बन जाएगी, ये याद रखिएगा कि 3/2 आपके पास है। और ये भी याद रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रल है जो प्लस ही आखिर में नहीं आएगा। तो हमारे पास आने वाला है 1/2 टाइम्स एक्स अंडर रूट 4 - x²
और प्लस 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का मतलब है 4, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब है एक्स अपॉन 2, और प्लस सी आखिर में नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह लिमिट्स आएंगी हमारे पास, और वो लिमिट्स आने वाली हैं -1 से लेकर 1 तक। तो अब करना ये कि एक दफ़ा एक्स की जगह -1 पुट कर देना है और एक दफ़ा एक्स की जगह 1 पुट कर देना है और उसके बाद आंसर निकाल लेना है। तो आइए मैं कैलकुलेशन वाला काम जल्दी से कर देता हूँ। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ख्याल रखिएगा इस बात का कि यहाँ पर एक्स यानी कि जब एक्स की वैल्यू पुट करें तो एक्स को रेडियन में या कैलकुलेटर के मॉड को रेडियन में ज़रूर कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो चलें वर्किंग कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं फिर क्या होता है। फार्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, इंटीग्रेट कर दिया, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ वहाँ 4 आया, जहाँ जहाँ ए था वहाँ 2 आया। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड टर्म जहाँ 1/2 a² था 1/2 4 आया, तो 2 से 4 कैंसिल हो के हमारे पास बनने जा रहा है, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो ये 2 बन गया, तो इस सेकेंड टर्म में हमारे पास बचा 2 sin inverse x/2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, पहले 1 और फिर -1, यानी इन तीनों एक्स की जगह एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा -1 हमने पुट कर दिया। और इसको अब सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ये कैलकुलेशन में परफॉर्म कर देता हूँ जल्दी जल्दी। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 3/2 तो बेटा बाहर था, ये बाहर रहेगा, और ये बनेगा आपके पास 1/2, 4 में से 1 गया तो ये बन गया √3। और साइन इनवर्स 1/2 का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो आंसर आपके पास आता है 30, लेकिन क्योंकि रेडियन में मॉड आपने कैलकुलेटर का मॉड किया हुआ होगा तो आंसर 30 आएगा, तो π/6 आएगा, और बिल्कुल ऐसे वहाँ पर होगा। जल्दी से इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। √3/2 प्लस π/3 और −√3/2 ब्रैकेट ओपन हुआ तो बना प्लस, और ये −π/6 क्योंकि साइन इनवर्स −1/2 −30 आता है, −π/3 बना, 2 से 6 कैंसिल होकर 3 बनता है, और जब ये 3 बना तो हुआ ये इसके बाद कि माइनस माइनस प्लस बन गया, और फिर π/3 ऐड होकर 2π/3, और √3/2 ऐड होकर 2√3/2 बन जाएगा। और उसके बाद हम कर ही सकते हैं कि इसमें से चाहे तो कॉमन निकाल लें 2, या ब्रैकेट ओपन कर दें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी, देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करें, अपॉन में लिख दें, और फिर पाई की वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो आइए मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करवा दूँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन और ब्रैकेट ओपन किया, 3/2 को अंदर भेज दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3/2 √3/2 बन गया, और 2/3 दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ जब 3/2 तो कैंसिल होके पाए बन गया। और उसके बाद फिर हम चाहें तो ये आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं और √3 और पाई की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 5.74 ऑलमोस्ट। एक और बात जो मैंने आपसे कही थी, जो स्टैरिक बनाया था ब्लैक साइन इनवर्स पर, तो याद रखिए कि स्टैरिक का मतलब है कि मॉड ऑफ द कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। इस बात का ध्यान रख लिया हम लोगों ने कि कैलकुलेटर के मॉड को रेडियन में ज़रूर कन्वर्ट कर लें और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू लिखें। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं इसके। अब देखते हैं क्वेश्चन किस, एक सर्कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी, सर्कल हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसका मतलब इसका रेडियस 5 है, यानी कि हर एक्स स्क्वायर एक्स वाई को ये 5 यूनिट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिर इसमें से इक्वेशन निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर को वहाँ भेजा, स्क्वायर रूट ले लिया, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को 5 5 यूनिट्स पर कट करता हुआ गुजर रहा है। दूसरी बात ये कि क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट के अलावा कोई और तीसरी टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसका सेंटर ओरिजिन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल था। डायग्राम मैंने बना दी, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो वही ए डिनोट करता है एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स। तो ये फार्मूला होता है एफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, और ए वाई की वैल्यू हम निकाल चुके, वैल्यू पुट कर दी। अब करना ये कि 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, जिससे हमें पता चल गया है स्क्वायर क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कंप्लीट वर्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं, वही फार्मूला जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वो दोबारा यूज़ हो सकता है, यानी इंटीग्रल √a² - x² dx इज इक्वल टू, और वो फार्मूला लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है इसके बाद। सो 1/2 x √
a square minus x square dx plus 1 upon 2 a square x upon a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आखिर में हमारे पास आ गया प्लस सी। सो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। देयर फॉर ए इज़ इक्वल टू 3 से लेकर 4 तक का इंटीग्रल हमारे पास है, अंडर रूट 1 अपॉन 2 एक्स टाइम्स अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का मतलब 25, और साथ में 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, इट इज़ 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन 5, प्लस सी यहाँ पर नहीं आएगा, और प्लस सी जब नहीं आएगा तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेट ये हो चुका है तो ज़ाहिर है कि इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पर इंटीग्रल की जगह और सी की जगह लिमिट्स आएंगी जो कि हमारे पास है 3 से लेकर 4 तक। सो ये इंटीग्रेट हुआ। अब यहाँ पे एक्स की जगह पहले 4 पुट करेंगे फिर 3 पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने पहले 4 पुट किया, उसके बाद एक्स की जगह 3 पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 225 माइनस 4 का स्क्वायर 16 जो कि बनेगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 चले मैं लिख देता हूँ पहले अंडर रूट 9 इसको, और फिर उसके बाद 25 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। इंपॉर्टेंट बात, साइन इनवर्स 1 अपॉन 4 अपॉन 5 जो आपने निकालना है कैलकुलेटर की मदद से निकालें, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो ये है नहीं, लेकिन जब कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर का मॉड सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वरना आंसर गलत आएगा। डिग्री में नहीं लिखना हम लोगों ने, रेडियन में लिखना है। इंटीग्रल डेरिवेटिव की शर्त होती थी लिमिट की भी कि जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का या फंक्शन का वो रेडियन में होना चाहिए, तो आप मॉड को रेडियन में चेंज करें और फिर जो वैल्यू आए वो लिखें। तो 25 अपॉन 2 के साथ जो वैल्यू आएगी 0.9273, मेरे कैलकुलेटर में ये वैल्यू आ रही है 0.9273। इसके बाद ये होगी पॉजिटिव लिमिट, और उसके बाद फिर नेगेटिव लिमिट जो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ये बना 3 अपॉन 2, 25 में से 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस हुआ तो बना 16 प्लस 25 अपॉन 2 फिलहाल एज इट इज़, और साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 का आंसर अगेन रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आएगा 0.644। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो डिवाइड हो रहे हैं इन्हें डिवाइड करवाते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, आए कैलकुलेशन करते हैं, 3 बनेगा या 4 बनेगा, कैंसिलेशन होगी, सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी। सो ये कैलकुलेशंस आपके सामने, 9 का स्क्वायर रूट 3 बना, 2 3 6 बना, और फिर ये इसका आंसर जो आया था डेसिमल में, उसको 2 से डिवाइड, 25 से मल्टीप्लाई किया, 11.5912 जो 6 में ऐड हुआ तो बन गया 17.5912। ये पहले ब्रैकेट का आंसर था, ये बना हमारे पास 4, और 4 से 2 कैंसिल हुआ, 4 से जब 2 कैंसिल हुआ तो ये बन गया 2, और 2 3 मल्टीप्लाई होकर बन गया 6, और 6 और 8 प्लस होकर बन गया 14.0438, फिर 17 में से 14 माइनस हुआ और 3.55 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि राउंड ऑफ किया है। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है इसी से रिलेटेड, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आप एरिया एनक्लोज, टोटल एरिया एक्चुअली पूरे सर्कल यानी पूरा एरिया आपको चाहिए, सर्कल के अंदर के पूरा एरिया। अब मसला ये कि हम सर्कल के अंदर का पूरा एरिया तो मालूम कर नहीं सकते, हम तो सिर्फ एरिया अबव एक्स एक्सिस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन कि हम ऑर्डिनेट्स को रखें -5 से +5 तक, एक्चुअली 10, क्योंकि यहाँ पे 100 है तो 10 का स्क्वायर है, रेडियस 10 यूनिट्स है यहाँ पर, तो या तो फिर ये काम करें, या फिर हम एक काम करें कि एक ऑर्डिनेट रख दें 0 और दूसरा ऑर्डिनेट रख दें हम लोग 5, और फिर ये वाला एरिया हमारे पास आ जाए, और जब ये वाला एरिया आ जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसलिए क्योंकि बाकी तीनों एरियाज़ की भी वैल्यू इतनी होगी, तो 4 टाइम्स ए कर दें। यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक, कि हम 0 से लेकर 5 तक का एरिया मालूम कर लेंगे, और जब ये एरिया हमें पता चल जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, दिस इज़ द एरिया विच वी विल फाइंड, ए इज़ इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, 5 नहीं है 10 तक है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी ले लेंगे फिर उसके बाद, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 माई स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 से लेकर 10 तक ये काम कर दीजिए। जब ये एरिया निकल आए तो टोटल एरिया, चाहे इसको ए डैश बोल दें, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, 4a,
तो यहाँ आपको मिल जाएगा टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल। और अगर यहाँ पे सवाल में लिखा होता टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल अबव एक्स एक्सिस, तो अगर अबव एक्स एक्सिस की बात होती कि एक्स एक्सिस से ऊपर की बात करनी है आपने सिर्फ, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप लोग ये करते कि टोटल एरिया निकालने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराते, इस एरिया को डबल कर देते। और अगर आप लोग ऑर्डिनेट 0 से 10 नहीं लेना चाहते तो -10 से +10 तक ले लें और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ताकि ये एरिया भी निकल आए आपके पास और फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और ताकि टोटल एरिया आपके पास आ जाए सर्कल का। सो ये इस तरह का सवाल आता है, और इस तरह के सवाल अब मैं होमवर्क बना के देता हूँ, मैं होमवर्क बताता हूँ आपको, काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है तो जल्दी से इसका होमवर्क देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता जो हमें आखिर में डिस्कस किया है, इसको ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या करना है। टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एरिया, ये साइड में मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ, देखते हैं इसके आंसर्स क्या आते हैं। सो आपने मालूम करना टोटल एरिया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अच्छा, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में फ़र्क ये है पुराने क्वेश्चन के मुकाबले में कि ऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, तो ऑर्डिनेट्स क्यों नहीं दिए हुए, इससे तो मसला हो जाएगा। तो किस तरह से इस ऑर्डिनेट्स का ना होना इसको कवर किया जाए, तो ऑर्डिनेट्स अगर नहीं दिए हुए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको टोटल एरिया की बात पूछा जा रहा है, आपसे बात की जा रही है टोटल एरिया इनक्लोज। सो आपको पता है कि जो एक्सेस या एलिप्स है वो एक्सीस को, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो आप ओरिजिन से लेकर एक्स इंटरसेप्ट तक या एक एक्स इंटरसेप्ट से लेकर दूसरे एक्स इंटरसेप्ट तक ऑर्डिनेट्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से, और फिर उसको डबल या 4 से मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको समझाया, करवाया जा सकता है। सो निकल आएगा आराम से एरिया। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आर है तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। इसी तरीके से एलिप्स है, एलिप्स का एरिया होता है ए बी इंटू पाई, जब आप लोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस हिसाब से अगर ये वाला काम किया तो ये वाला काम जब करेंगे तो ये आएगा 4 3 12 पाई, लेकिन क्योंकि सिर्फ अबव एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो आंसर आएगा इसका 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो जो रेड से लिखे हैं उन तीनों के आंसर है, और अगर टोटल एरिया की बात होती इस वाले क्वेश्चन में तो वो 12 पाई नहीं आता, 6 पाई नहीं आता, 12 पाई आता। ये आप लोगों ने करना है बेटा, और ये एमसीक्यूज के लिए भी आसान, मतलब जल्दी अगर करने हो क्वेश्चंस तो उसमें भी आसानी होगी इससे। बहरहाल ये टोटल एरिया वाला काम अभी नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ इसे। और अगर हम चाहते हैं कि काम हम सही से सीख जाएँ तो इसके लिए हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन 1 2 3 4 6 8 9 13 14 और एग्जाम्पल 1 और 2 पेज 230 पर। तो इसी के साथ हमारा काम ख़त्म हुआ एरिया अंडर द कर्व का भी। अब एरिया अंडर द कर्व के काम के साथ हम लोगों ने तकरीबन सारा काम कर लिया, जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि वेक्टर्स के लिए आप सर इरशाद के लेक्चर्स देख सकते हैं, वो सारा सब कुछ उसमें मौजूद है काफ़ी डिटेल में माशाल्लाह से। तो वेक्टर्स भी हो चुका, और कुछ हमारा अब सेकेंड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहता। ध्यान से दीजिएगा, आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बहरहाल आपके पास अब टाइम है तो आप सही से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा है जो सीखा है उस तैयारी कीजिए, और जो जो आपको सिखाया गया है बेटा उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर फजील से कांटेक्ट कीजिए, मैसेज मुझे कन्वे करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम जो भी इशू होगा आपका वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। काम ध्यान से कीजिएगा, पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस किए बगैर हम लोग कभी भी सेकेंड ईयर मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं ले सकते, ये बात याद रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।